हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो हमने एक वीडियो बनाया था कि यूनिवर्सल बोर्ड को सैमसंग में कैसे इंस्टॉल करें, तो बहुत वायरल हुआ था और उसमें कमेंट सारे लोग ये कर रहे थे कि सर आपने जो LVDS का कनेक्शन है वो नहीं दिखाया। तो आज आपको हम बताते हैं LVDS का कनेक्शन। और ये देखिए नई यूनिवर्सल बोर्ड है, देखिए 24 इंच का LED है। तो इसमें आपको हम पूरा फुल कनेक्शन दिखाएँगे कि आप कैसे इसको LVDS का कनेक्शन करेंगे और IR का कनेक्शन करेंगे और कैसे सारा कुछ इसमें मैच करेंगे। तो चलिए पहले बताते हैं कि जो सैमसंग का हमने बताया था जिसमें LVDS का कनेक्शन नहीं बताया था। तो सबसे पहले कोई सा भी आपका पैनल हो, चलिए आपका पैनल का पहले कोड नंबर दिखाता हूँ, फिर उसके बाद आगे दिखाता हूँ। देखिए ये 24 इंच का हमारे पास पैनल है, तो हमें पता नहीं है कि कौन सा इसका LVDS कनेक्ट होगा ये यूनिवर्सल बोर्ड में, ठीक है। देखिए हमारे पास ये यूनिवर्सल बोर्ड ये है और इसका बोर्ड मैं दिखाता हूँ। चलिए तो पहले इसका मैं कनेक्शन बताता हूँ। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये यूनिवर्सल बोर्ड है, इसका पता नहीं है कि हमें इस पैनल में कौन सा हमें मतलब LVDS कनेक्शन होगा। तो सबसे पहले जो हमारे नंबर लिखा हुआ है LTM230HL08, ये हमारा पैनल बोर्ड है, देख सकते हैं लिखा है सैमसंग का यह पैनल है, ठीक है। तो ये जाके आप गूगल पे सर्च मारिएगा। पहले आपको क्रोम खोलना है और जो हमारा पैनल का कोड है, देखिए पैनल का कोड था LTM230HL08, हमने डाल दिया। उसके बाद नीचे आना है, उसका देखिए आप लिख डेटा शीट PDF.com, इस पर क्लिक करना है। आपको इसी में आपका सारा बड़ा डाटा आ जाएगा कि हमारा कितने वोल्ट का पैनल है। तो सबसे नीचे आना आपको, देखिए यहाँ पे लिखा है कोई सा पे क्लिक करना है, डाउनलोड पे एक नीचे लिखा है, एक यहाँ पे लिखा है, चलिए इस पर क्लिक करते हैं। देखिए हमारा डाउनलोड का प्रोसेसिंग आ गया। इस बार देखिए सारा कुछ यहाँ पे दिखा रहा है, चलिए आपको दिखाता हूँ कि हमारा कितने वोल्ट का पैनल है। देखिए हमें आपका सारा यहाँ पे दिखा रहा है, देखिए 30, 29, 28 जो हमारा है पावर सप्लाई जो 5 वोल्ट के लिए था। आपको मैं पहले बताया था कि हमारा ये 5 वोल्ट का पैनल जो 5 वोल्ट पे कनेक्शन है, यहाँ पर देखिए सारा लिखा हुआ है, देख सकते हैं ये लिखा हुआ, यही सेम डाटा आपको उस पर लिखा रहता है। वो हमारा यूनिवर्सल बोर्ड है जो डाटा लिखा रहता है, इसी के हिसाब से आप मैच करके आप कनेक्शन कर सकते हैं और आपका परफेक्ट वर्क कर जाएगा। तो आशा करता है आपको समझ गए होंगे कि आप पैनल का वोल्टेज कैसे चेक करें और हमारा कितना वोल्ट का पैनल है, ये हमारा कितना वोल्ट का पैनल है और कौन सा कनेक्शन कैसे है। तो हमने सारा कुछ फाइंड कर लिया और इसमें देख सकते हैं LVDS एक कनेक्ट हो रहा है, देख सकते हैं ये हमारे साइड। आपको पता करना है कि हमारा ये VCC कहाँ पे है और बाकी ग्राउंडिंग कहाँ पर। हमने सारा कुछ फाइंड करके ये वाला इसमें कनेक्शन कर दिया है। हमारा VCC साइड था जो हमारा 5 वोल्ट के लिए है, ये 5 वोल्ट का पैनल है, तो मैंने सारा कुछ सेट कर रखा हूँ, ठीक है। देख सकते हैं एक कनेक्शन है, ये हमारा ये यूनिवर्सल बोर्ड में कनेक्ट हो जाएगा। तो चलिए इसका सारा कनेक्शन दिखाते हैं और इसको ऑन करके भी दिखाते हैं। और कोई सा भी LED आपके पास रहे, चाहे LG का रहे 32 इंच, 43 इंच या तो सोनी का, सैमसंग का, कोई सा भी रहेगा, तो आप इस तरह से ये नंबर डालिएगा गूगल पे, आपको डेटा शीट मिल जाएगा कि हाँ कितने वोल्ट का पैनल है और कौन सा कनेक्शन कहाँ पर होगा। आप इस तरह आप कनेक्शन कर सकते हैं आप, या तो फिर इस तरह LVDS लगा सकते हैं। बहुत तरह के सारे LVDS आता है, आप जिस तरह लगा सकते हैं उसको लगा के आप चला सकते हैं इस यूनिवर्सल बोर्ड में। तो चलिए मैं आज इसको पूरा कनेक्शन दिखाऊंगा कि हमने क्या क्या इसमें काम करूंगा तो हमारा परफेक्ट वर्क करेगा। तो सबसे फर्स्ट आपको पैनल का वोल्टेज जाना है, दूसरा हमें LVDS कनेक्ट करना है, बाकी सारा ईजी है। तो चलिए अब आपको दिखाता हूँ। और हाँ दोस्तों, देखिए यहाँ पर ये जो हमारा इसमें 24 इंच का पैनल है जिसमें 4 वायर लगा है बैक लाइट के लिए, तो हमने इसको बैक लाइट इन्वर्टर से हमने चेक कर लिया कि हमारा कौन सा प्लस है और कौन सा माइनस है। तो इसमें 12-12 वोल्ट का 3 मतलब इनपुट ले रहा है, यानी 12 × 36, तो 36 नहीं है, सिर्फ 12 वोल्ट से आपको चल जाएगा। चलिए आपको दिखाता हूँ। तो ये देखिए हमारा कनेक्शन किया हुआ है, ये हमारा है प्लस एक वायर और 3 ये हमारा ग्राउंड है। चलिए आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए ये हमारा तीनों ग्राउंड है, ये हमारा प्लस है, ये तीनों 12 वोल्ट लेता है,
मतलब 36 वोल्ट का, लेकिन ये 12 वोल्ट चलता है। ये पैरेलल में है, सीरीज में नहीं है। अगर सीरीज में होता तो 36 वोल्ट होता, पैरेलल में है तो सिर्फ 12 वोल्ट होगा। ठीक है, तो देख सकते हैं मैंने सारा कुछ कनेक्शन कर दिया हूँ। हमने 4 वायर का था, तो इसमें मैंने 2 वायर का कनेक्शन कर दिया हूँ। देख सकते हो जहाँ से 4 वायर आया, बीच में 3 का शॉर्ट किया, यहाँ पे 2 वायर आ गया। देख सकते हैं 2 वायर पे हमारा कनेक्शन हो गया। और इसका बैक लाइट ड्राइवर देख सकते हैं, ये वाला है जो आप 32 इंच में भी यूज कर सकते हैं। पावर सप्लाई और बैक लाइट ड्राइवर यही है, और ये हमारा मदरबोर्ड है। तो चलिए इसको कॉम्बिनेशन कनेक्ट करते हैं आयर को भी, और इसको ऑन करके दिखाते हैं कि हमारा सब कुछ परफेक्ट वर्क करता है या नहीं। तो वीडियो में बने रहिए। तो चलिए सारा कनेक्शन करते हैं, फिर आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए दोस्तों, हमने सारा यहाँ पे कनेक्शन कर दिया, देख सकते हैं हमने जो। चलिए आपको सबसे फर्स्ट दिखाता हूँ, ये हमारा पावर सप्लाई है, तो 220 वोल्ट से आएगा। देख सकते 220 वोल्ट से आएगा। ये हमारा ये वाला, देखिए ये हमारा ये है जो 12 वोल्ट आएगा, और बैक नेट इनेबल के लिए आएगा, जो ऑन लिखा हुआ था इसके लिए आएगा। ये हमारा ऊपर है जो बैक लाइट ऑन होगा तो हमारा जलेगा, जो आपको दिखाए थे यहाँ पे कि हमने 4 वायर को यहाँ पे जोड़ रखा, 1 वायर ये हमारा, देखिए 2 वायर, जो सिर्फ 2 वायर यहाँ पे कनेक्शन हुआ। तो बाकी इसमें और दिखाता हूँ, ये हमारा स्पीकर का है, देख सकते हैं स्पीकर है, ये हमारा LVDS और ये हमारा IR है। तो चलिए पावर देते हैं, फिर आपको दिखाता हूँ कि हमारा परफेक्ट वर्क करता है या नहीं। चलिए इसको थोड़ा सी साइड करता हूँ, और इसमें हम आपको जो भी हाल फिलहाल लियो का टेलर चल रहा हो मस्त, उसको मैं आपको दिखाता हूँ चला के। तब सबसे पहले पावर को ऑन करते हैं। देखिए दोस्तों, हमने वहाँ से 220 वोल्ट ऑन कर दिया, देख सकते हैं लगा हुआ है, और हमारा जो IR का लाइट है जो जल गया। देख सकते हैं हमारा ये IR का लाइट है जो जल गया, देखिए हमारा IR का लाइट है जो जल गया। तो इसमें हमारा ये पावर बटन ही है, या तो फिर हमारा जिसके साथ यूनिवर्सल रिमोट आया है, देख सकते हैं ए है। तो चलिए हम पहले आपको बटन ऑन करके दिखाते हैं, फिर आपको रिमोट ऑन करके दिखाऊंगा। ठीक है, देखिए हमारे पास ये है, ये हमारा CH3 है जो हमारा पावर बटन है, CH3 है जो पावर बटन है। देखिए अभी आपको दिखाता हूँ, देखिए हमारा ग्रीन हो गया, देख सकते हैं ग्रीन हो गया, और हमारा LED भी स्टार्ट हो गया। देख सकते हैं हमारा LED ऑन हो गया, देख सकते हैं हमारा ये बिल्कुल ऑन हो गया परफेक्ट। तो चलिए आपको इसको रिमोट से भी बंद करके दिखाता हूँ। देखिए मैं पावर बटन टिपता हूँ, जैसे हमारा देखिए बंद हो जाएगा, देखिए बंद हो गया और रेड भी हो गया, देख सकते हैं हमारा परफेक्ट वर्क कर रहा है। तो चलिए इसमें हम पेन ड्राइव लगाते हैं, फिर आपको इसमें लियो का टेलर दिखाता हूँ कितना हमारा मस्त पिक्चर दिखाता है। देख सकते हैं हमने कुछ नहीं कनेक्शन किया हूँ, बस हमारा पावर सप्लाई है जिसमें से हमारा बैक लाइट गया है, और दूसरा पावर के लिए गया जो 12 वोल्ट आता है। देख सकते हैं सारा कुछ कनेक्शन आपको दिख रहा है, कोई इसमें डाउट नहीं है, बिल्कुल हमें 100% समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो चलिए इसमें पेन ड्राइव लगाते हैं और इसको ऑन करके आपको लियो का दिखाता हूँ कितना मस्त पिक्चर आ रहा है। यहाँ पर देखिए हमने पेन ड्राइव को लगा दिया, तो चलिए अब इसको ऑन करते हैं। ये देखिए हमारा ग्रीन हो गया, और हमारा पैनल पे भी लाइट आ गया, देख सकते हैं आ गया। तो अभी हम जाएंगे मूवी पे, तो हमारा देखिए रिमोट है, अब इसको क्लिक किया, देखिए हमारा आगे जा रहा है म्यूजिक, मूवी आ गया। अब ओके सी पे जाएंगे, और हमारा देखिए वीडियो प्लेबैक है, इस पर जाना आपको, नीचे आएंगे और ओके। देखिए हमारा कितना परफेक्ट वर्क कर रहा है, ये देखिए हमारा कितना अच्छा पिक्चर दिखा रहा है। विजय।